हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अजफर। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं अपना कॉन्वोकेशन सेरेमनी का एक्सपीरियंस। आज है 5 जनवरी 2021। एक साल पहले 5 जनवरी 2020 को मेरी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी और इस वीडियो का आइडिया मुझे कैसे आया, मैंने अपनी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स देखे थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप प्लीज़ अपना कॉन्वोकेशन सेरेमनी का एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो मैंने सोचा इट्स अ गुड आइडिया, तो लेट्स शेयर इट। और एक साल पूरा भी होने वाला है जिनको, तो आई थिंक इस दिन से बढ़िया और क्या दिन हो सकता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, उस टाइम तक मैं ब्लॉगर नहीं थी, यूट्यूबर नहीं थी, तो मैंने वो चीज़ों का की वीडियोस नहीं बनाई, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो वो तो मैं खैर आपको उस चीज़ की वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ ना, आप इमेजिन करना शुरू कर देना, आप पिक्चराइज करना उसको, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी कॉन्वोकेशन सेरेमनी कैसी रही और क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, मेरा जो रिजल्ट था ना सीए फाइनल का, वो अगस्त 2019 को आ गया था, ठीक है? उसके बाद ना कुछ महीनों तक टाइम पीरियड था, आप उसके बीच में अगर अपना मेंबरशिप नंबर अप्लाई कर देते हो ना, तो फिर आप जो आने वाली अपकमिंग जो सेरेमनी होगी कॉन्वोकेशन की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मैंने उस टाइम पीरियड के बीच में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था और मैं एलिजिबल हो चुकी थी फॉर कॉन्वोकेशन सेरेमनी विच वॉज गोना हैपन इन जनवरी। ओके, तो ये चीज़ हुई थी। उसके बाद हमको अपना सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने दिल्ली का ही फिल किया था और उसका जो वेन्यू था वो था यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी हमारी जनवरी में, और दिल्ली में जनवरी में कितना ज़्यादा बुरा हाल होता है ना ठंड से, आप नहीं जानते। और जो रहते वो तो खैर जानते ही होंगे, और जो नहीं रहते उनको भी पता होगा दिल्ली की सर्दी तो फेमस है, गर्मी भी फेमस है, ठंड भी फेमस है, दोनों ही चीज़ें फेमस हैं दिल्ली की। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब मुझे डिसाइड करना था कि मैं क्या पहनूं। ओके, अब थोड़ा लड़कियों वाली चीज़ आ रही, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो तो इसको स्किप कर देना, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ तो मैं करूँगी, ठीक है? तो मैंने सोचा कि फॉर्मल्स पहनूं या साड़ी पहनूं। वेल, फॉर्मल्स पहनती तो ठंड के लिहाज से बहुत सही होता है ना, फॉर्मल्स पहनती। उसके बाद फिर ब्लेज़र पहन लेती मोटा वाला और फिर मैं गुड टू गो, कुछ मुझे दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन मुझे साड़ी पहननी थी, बहुत मन था मेरा साड़ी पहनने का, तो मैंने सोचा देखते हैं साड़ी पहननी है कैसे भी, और मैंने डिसाइड किया कि आई विल वेयर साड़ी। ओके, तो उससे पहले मैं साड़ी लेकर आई, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे साथ जनरली ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे कुछ एक्साइटिंग होने वाला होगा ना, तो मेरे को नींद नहीं आती। मतलब कहीं जाना है घूमने या फिर कुछ स्पेशल है, मेरे को नींद नहीं आती। तो वैसे ही हुआ, मुझको नींद नहीं आई। बहुत मुश्किल से आई थिंक 2 या 3 घंटे ही सोई थी। उसके बाद फिर मैं उठ गई सुबह सुबह और फिर मैं तैयार होना शुरू हो गई। साड़ी पहनने में मेरी हेल्प कराई मेरी सिस्टर ने, जो कि उस वक्त बहुत ही ठंड के माहौल में सो रही थी अच्छे से, और मैंने उसको उठा दिया कि भाई मुझे साड़ी पहना दे। उसने मुझे पहनाई और मैं रेडी होकर अपने अब्बू के साथ बाइक से गई मेट्रो स्टेशन तक, और मेट्रो स्टेशन से मैंने मेट्रो ली कड़कड़डूमा तक। कड़कड़डूमा से मैंने लिया बैटरी वाला जो रिक्शा होता है वो लिया मैंने, और उससे हम पहुँच गए अपने वेन्यू पर विच वॉज़ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सच बताऊँ, साड़ी पहन के चलने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, बट मैं कॉन्फिडेंटली चल रही थी ये दिखाते हुए कि आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल वेयरिंग साड़ी, क्योंकि मेरी चॉइस है ना, वो किसी ने बोला तो नहीं था, मैं खुद ही पहन के आई थी। तो हाँ, पहुँचने तक बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और पहुँच गए हम वेन्यू पे, और बाहर गेट के बाहर देखा बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, सारे फॉर्मल्स पहने, प्रॉपर जेंटलमैन टाइप बन के आए, और लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी बन के आई हैं, बॉयज़ भी अच्छे अच्छे बन के आए हैं सारे एकदम। कुछ पेरेंट्स भी दिखे थे और कुछ और भी लोग थे जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस कॉन्वोकेशन वाले दिन को। सो जैसे ही मैं बैटरी वाले रिक्शे में से उतरी, अब मुझे अंदर जाना था वेन्यू पे, ओ माय गॉड, आई कैन टेल यू मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहली बात, उस जगह की ना एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी। सारा यंग क्राउड था, सो बहुत ही पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक क्राउड था वो सारा, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ऐसे जगह पर ऐसे क्राउड के बीच आने का मौका मिला था, क्योंकि सी ए फाइनल के एग्ज़ाम तक तो हो ही नहीं पाता था, घर में बंद रहते थे, फिर एग्ज़ाम देने जाते थे, तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैं कहूँगी काफ़ी सालों बाद ऐसा टाइम आया जब एक ही जगह पर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, सारे यंग लोग, सारे फ्रेशर्स, और मुझे बहुत 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 अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उस दिन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी थी। तो मैं जैसे ही अंदर मैंने एंटर करा, मुझे अपने फ्रेंड्स मिल गए, मैंने उनको अकंपनी करा। उसके बाद उन्होंने बताया कि पहले तुमको जाकर अपनी डिग्री लेनी पड़ेगी, डिग्री और एक किट आती है तो वो तुम्हें लेने जाना पड़ेगा। प्रोमाइसिस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पर मेंबरशिप नंबर वाइज लिखे हुए थे कौन सी लाइन में जाकर आपको खड़ा होना है।
अब मैंने अपना मेंबरशिप नंबर के हिसाब से मैंने लाइन देख ली और मैं प्रेमाइसिस के अंदर चली गई। ओह माय गॉड, इतनी लंबी लंबी लाइन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा उस दिन। और यकीन मानना, मैं लाइन में लगी उसके बाद मुझे डिग्री लेने तक ना 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया। इतने ज़्यादा बच्चे बीच में लाइन में लग रहे थे ना, और हम तो शरीफ लोग, मैं तो जैसे लगी मैंने वैसे ही कंटिन्यू करा, मैं ऐसे बीच बीच में नहीं घुसी, ना मैंने देखा कि कौन मेरे जान पहचान के लोग हैं, मैं उनके आगे जाके लग जाऊँ। जैसे ही मैं जहाँ पर खड़ी थी मैंने उसी तरीके से लाइन कंटिन्यू करी। और एक मैं फ़नी चीज़ बताऊँ आपको क्या हुआ, मैं लाइन में लगी, ठीक है, आई थिंक वहाँ पर ना नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो मुझे किसी को कॉल करनी थी, तो मैं एक मेरे जो पीछे लड़की लगी थी ना, मैंने उसको बोल दिया था कि मैं भी लगी हूँ, क्योंकि मैं जस्ट कॉल करके आ रही हूँ, फिर मैं वापस आकर यहाँ पर अपनी जगह पर लग जाऊँगी। मैं गई, कॉल करी, वापस आई, देखा मेरी जगह पर इतने सारे लड़के खड़े हुए थे। और मैं जैसे ही पहुँचना मुझसे बोलने लगे, अरे तुम लाइन के बीच में क्यों आ रही हो, पीछे से लगो ना। एंड आई वॉज लाइक, भाई तुम मेरी जगह पर आके खड़े हुए हो, मतलब वो बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे को बोल रहे थे कि मैं लाइन में लग रही हूँ, वो खुद मेरी जगह पे आके खड़े थे, और मैंने उनको बोला भी कि आप पहले तो यहाँ पे नहीं थे, फिर ऐसे इधर उधर देखने लगे जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। एंड वो जब लाइन जब तक ख़त्म नहीं हुई ना, वो लड़के हटे नहीं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यार आप लाइन के बीच में लग रहे हो, हम क्या पागल हैं जो इतनी देर से लाइन में लग के आ रहे हैं और आप बीच में लग रहे हो, ऊपर से मुझे ही बोल रहे हो मेरी जगह पर खड़े होके। तो शुरुआत थोड़ी सी ख़राब हुई, लेकिन हाँ कैसे भी करके पहुँच गई मैं। मैंने अपनी डिग्री ली और किट ली। किट में क्या क्या था मैं वो बताती हूँ आपको। डिग्री तो थी, ठीक है, वो तो अलग थी। किट में था, अगर आप लड़की हो तो आपको स्कार्फ मिलता है, और अगर आप बॉय हो तो आपको टाई मिलती है। एक पेन मिला था, और एक ना ब्रोच मिला था सीए वाला, और क्या मिला था और तो मुझे नहीं ध्यान, यही चीज़ें ध्यान है, मतलब और भी चीज़ें थी बट मेरे को इस टाइम पर ना ध्यान नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बाहर, मतलब उस जगह से, वेन्यू से बाहर नहीं, थोड़ा बाहर जाने पर ही एक काउंटर लगा हुआ था जहाँ से आप अपने गाउन और हैट ले सकते हो। जो आपने देखा होगा ना कि कॉन्वोकेशन में गाउन पहनते हैं, वो हैट लगाते हैं, तो वो आपको लेनी पड़ती है वहाँ से। तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो गाउन और हैट आप ले सकते हो। वो ना रिफंडेबल होते हैं पैसे, मतलब आप अगर वो गाउन और हैट वापस कर दोगे ना, तो वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ऐसे था, फिर मैंने गाउन और हैट ली, और अब क्या करना था, वही पिक्स क्लिक करो और वीडियोस बनाओ हैट चलते हुए। तो वही हमने करा, मेरे जितने फ्रेंड्स थे हमने मिलकर पिक्स क्लिक करी खूब सारी, और खूब सारी वीडियोस बनाई हैट को उछालते हुए। एक मैं बताऊँ, मतलब हम चारों जो फ्रेंड्स थे ना, हम ऐसे ही हैट उछाल रहे थे, और मेरा ऊपर गया, और जैसे आया ना मेरा टक यहाँ पर आकर लगी इतना तेज लगी ना, आई कांट टेल यू। बहुत दिनों तक मेरे वहाँ पे दर्द होता रहा, और मेरा दर्द होता था, मुझे लगता था मेरी क्या चीज़ लगी जो मेरे को इतना दर्द हो रहा है। फिर मैंने अपनी वो वीडियो देखी ना दोबारा से, मतलब मेरे फ्रेंड ने दी, तो मैंने वीडियो देखी, अरे इस वजह से दर्द हो रहा है क्या, ओके। वो बहुत बुरा दर्द हो रहा था, क्योंकि एक तो ठंड का टाइम होता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ भी ना बहुत दर्द देती है, और वो जो हैट था ना उस पे मोटा सा कार्डबोर्ड, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ था, वो काफ़ी हैवी सा था, तो एकदम आके लगा ना मेरे को, बहुत दर्द हुआ। हाँ लेकिन वीडियो तो बनानी थी, तो बनाई, बहुत सारी बनाई, जो मतलब अच्छी थी वो रख ली, जो बुरी थी वो अपने पास ही रहने दी। तो यही करते करते 12:01 बज गया था। अब रिफ्रेशमेंट की बारी थी, अगेन बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, और उस क्राउड की क्या वजह थी, बहुत सारे लोगों ने ना जो पहले सेंटर दूसरे चूज़ करे थे, उन्होंने एंड टाइम में दिल्ली चेंज कर लिया, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो यू नो एक एक दो दो साल तीन तीन साल पहले भी सीए बने ना, वो भी उस सेरेमनी में थे, तो इस वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मुझे नहीं पता कि जो मेरे वाले सेरेमनी के टाइम पर ही ऐसा हुआ या हमेशा ऐसा होता है। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा भी कि तुम्हारे टाइम पर हुआ है ऐसा कुछ, या मतलब मिसमैनेजमेंट टाइप कुछ ऐसा हुआ, तो कुछ ने बोला हाँ और कुछ ने बोला नहीं, हमारे टाइम पे तो बहुत अच्छा हुआ था, मतलब एकदम ग्रैंड टाइप। तो थोड़ा उस वजह से ना डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझको नहीं बहुत सारे लोगों को हुई डिसअपॉइंटमेंट कि हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कॉन्वोकेशन में, यू नो इतना मिसमैनेजमेंट। बट पता नहीं, यू कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, बिकॉज हो सकता है उन लोगों ने मैनेजमेंट अच्छा करा हो बट उनको नहीं पता हो कि इतने सारे बच्चे अचानक से आ जाएंगे, या फिर उनको पता था बट उन्होंने अपने यू नो स्केल को नहीं बढ़ाया, डोंट नो क्या रीज़न था, बट हाँ मिसमैनेजमेंट था। हम वही फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, हमने रिफ्रेशमेंट ली, थोड़ी बहुत खाई, थोड़ी बहुत रख दी उठा के। उसके बाद आई थिंक 3 बजे के आसपास मेरे पेरेंट्स आए। बहुत सारे पेरेंट्स ना वो अपने बच्चों के साथ ही आ गए थे, बट मैंने अपने अम्मी अब्बू को पहले ही बोला था कि बाद में आना, पहले मैं जाके देखूंगी कि कैसा क्या सीन है, फिर मैं फ़ोन करके बता दूंगी। तो मैंने बोला था कि 1 बजे तक आ जाना, बट उनको आते आते 3 बज गए, तो फिर वो आए। अब हमको जाना था अंदर
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर. सो काइंड ऑफ इंडोर स्टेडियम था वो, मतलब बीच में राउंड था काफ़ी बड़ा जहाँ पर स्टेज लगा हुआ था, और स्टेज के जस्ट आगे ना सारे रैंकर्स बैठे हुए थे, मतलब जिन्होंने भी रैंक हासिल करी होगी उन सब की चेयर्स थी. और फिर उसके साइड में यू नो राउंड राउंड करके चेयर्स लगी हुई थी, सारे लोग अपने मतलब जो स्टूडेंट्स अकेले आए थे वो अकेले बैठे थे, जो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे वो पेरेंट्स के साथ बैठे थे. बहुत सारे लोग ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो वो डिग्री लेकर, मैंने बोला ना कि लाइन में लग के डिग्री लेके वो लेके चले गए, उनको दिखा कि पता नहीं कब तक हमारा नंबर आएगा, तो वो डिग्री लेके चले गए. बट मेरे को था कि मैं हाँ ऊपर स्टेज पर जाना है, तो मैं नहीं गई. और मैंने पेरेंट्स को भी बुलाया था, तो फिर मैं नहीं जा सकती थी. तो वो आ गए और हमने जहाँ पर भी जगह दिखी हम बैठ गए. शुरू हुई कॉन्वोकेशन सेरेमनी. उसमें क्या था, वो ना 100 की रेंज में स्टूडेंट्स को पहले ही बुला रहे थे, क्योंकि एक एक करके बुलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो पहले ही नीचे बुला लेते थे सबको 100 की रेंज में स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को नहीं सीएस को. और फिर यू नो जैसे स्टेज पे जाते थे उससे पहले वो हमारा डिग्री देखती थी, जो भी स्टेज पर अनाउंस करने के लिए खड़ी थी वो डिग्री देखती थी कि हाँ ये है और इसका नाम ये है, इसका मेंबरशिप नंबर ये है, और फिर आगे वो बोलती थी ठीक है चली जाओ. फिर हम स्टेज पर जाकर जो भी कमेटी के लोग खड़े थे उनके हाथ से वो डिग्री लेते थे, और फिर पिक्चर क्लिक होके हम वहाँ से निकल जाते थे. तो ये था कॉन्वोकेशन सेरेमनी. जो भी फोटोज वहाँ पर ली जा रही थी वो सारी फिर ना बाद में गूगल ड्राइव पर अपडेट हो गई थी, मतलब जिसको अपनी फ़ोटोज़ लेनी हो तो वहाँ से गूगल ड्राइव से, गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा आपको कुछ दिनों बाद, वहाँ से आप अपनी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो. अपना मेंबरशिप नंबर से आई थिंक डाउनलोड हो रही थी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे थे तो आप कैसे ढूंढोगे, तो मेंबरशिप नंबर वाइज लोग अपनी पिक्चर ढूंढ के डाउनलोड करके शेयर कर रहे थे. तो हाँ, अब मैंने डिग्री ले ली, मैं आ गई नीचे और मेरे अम्मी अब्बू सामने बैठे हुए थे. फिर मैंने डिग्री ले ली, फिर हमने बोला आप क्या करना है, चलो चलते हैं. और आई थिंक 5 या 6 बज गए थे, 6 बजे होंगे आई गेस. फिर हम वहाँ से निकलने लगे, और बट जैसे हम वो स्टेडियम से बाहर निकल कर आए ना, मुझे मेरे दो फ्रेंड्स मिले. वो दोनों मेरे GMCS में थे, और बहुत सालों बाद मैंने उन दोनों को देखा, मैं तो खुश हो गई. मतलब मुझे अपने GMCS वाले दिन याद आ गए, क्योंकि मेरे GMCS वाले दिन बहुत अमेजिंग थे. तो थोड़ी बहुत बातें करी हमने और पिक्चर क्लिक कराई, और बहुत अच्छा लगा मेरे को. यू नो आप इतने टाइम बाद लोगों से मिलते हो ना जिनको आप जानते हो, तो बहुत अच्छा लगता है. तो बस हाँ, पिक्चर क्लिक करी, और फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू के साथ भी बाहर ही पिक्चर क्लिक कराई. शायद वहाँ पर कोई लेडी या कोई लड़की खड़ी थी, हमने बोला हमारी फ़ोटो खींच दो, तो फिर उन्होंने मेरी मेरे अम्मी अब्बू के साथ फ़ोटो खींची. और बस फ़ोटो खींचने के बाद हम घर पर आ गए, और मेट्रो में मैंने मेट्रो में फ़ोटो ली अपने अम्मी अब्बू के साथ. अम्मी तो खुश होकर देख रही थी, अब्बू थोड़ा अलग एक्सप्रेशन दे रहे थे, तो मैंने ज़्यादा ली नहीं, और ऐसे करके हम घर आ गए. बट मज़ा आया, मतलब जितना भी था कैसा भी था मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मतलब मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मेरे को हर चीज़ में मज़ा आ जाता है. बस मेरे को मज़ा आया और मैं मज़े से घर पर आ गई, और अच्छा रहा पूरा ओवरऑल. तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस. और मेरे कॉन्वोकेशन के बाद ना, हमारी January 20 में कॉन्वोकेशन हुई थी, उसके बाद होनी थी आई गेस जुलाई अगस्त में, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कुछ भी नहीं हो पाया. जो लोग इस आस में थे कि हम जुलाई में कॉन्वोकेशन में जाएंगे, बेचारों को हो ही नहीं पाया. और पता नहीं आगे कब होगा कब नहीं, क्योंकि मैं अब सोचती हूँ ना कि अच्छा हुआ सही टाइम पे मैंने मेंबरशिप नंबर अप्लाई कर दिया, नहीं तो फिर मेरा कॉन्वोकेशन पता नहीं कब होता. सो या आई एम रिलैक्स्ड कि मेरी कॉन्वोकेशन सही टाइम पर हो गई, मैंने खूब सारा इन्जॉय करा. और कॉन्वोकेशन के बाद आई गेट इन टू जॉब, उसके बाद लाइफ चल रही है, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, बट जैसी भी चल रही है अमेजिंग चल रही है. और आप लोग हो तो साथ में, है ना, और यूट्यूब है हमारा, हमारी अच्छी खासी फैमिली है यूट्यूब की, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना. तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, एंड मैंने ट्राई करा सारी इमेजेस सारी वीडियोस साथ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा. अगर उस टाइम पर मैं व्लॉगर होती तो मे बी मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती वीडियोज एंड ऑल में, बट क्योंकि नहीं थी तो मैंने ट्राई करा कि मेरे शब्दों के द्वारा ही आप समझ जाओ यू नो कि क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. तो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ढेर सारा शेयर करना. तो चलो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़.